कृतज्ञता की ऐसी 6 दैनिक आदतें जो आपकी जिंदगी में प्रचुरता और आनंद को आकर्षित करेंगी। कृतज्ञता और प्रशंसा की दैनिक आदतें उन उच्चतम भावनात्मक अवस्थाओं में से एक है जिन्हें आप अनुभव कर सकते हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ हो या ना हो, लेकिन जब आप कृतज्ञता अपनाते हैं तब आपको सच्ची खुशी और संतोष का एहसास होता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें, तब आपको और अधिक मिलेगा। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपके पास कभी कुछ पर्याप्त नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान तरह की चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है। जब आपके पास जो है उसके लिए आप आभारी होंगे, तो आप आभार व्यक्त करने के लिए और चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर पाएंगे। बहुत से लोग चीजों की सराहना नहीं कर पाते, उन्हें ये रवैया अपनाने में मुश्किल आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान बचपन से ही उन चीजों पर केंद्रित होता है जो हमारे पास नहीं है। हम उन चीजों की सराहना नहीं करते जो हमारे पास है। ये रहे 6 सरल तकनीक जिसकी मदद से आप कृतज्ञता की आदत को अपना सकते हैं। ये सफल लोगों की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। पहला, हर सुबह 7 मिनट निकालकर अपनी जिंदगी के उन चीजों के बारे में लिखें जिनकी आप सराहना करते हैं। अपने दिन की शुरुआत इसी तरह करें। इससे आप दिन में होने वाली हर चीज के बारे में आभार व्यक्त कर पाएंगे। ये आपको पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर देगा और इससे आपकी जिंदगी में सकारात्मक लोग आकर्षित होंगे। वो आपकी आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। दूसरा, हर दिन 3 लोगों की सराहना करें। लोगों की सराहना करें, उन्हें बताएं कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। ये उनका आत्मबल बढ़ाएगा और वो अपने इस पॉजिटिव ऊर्जा को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। अधिकांश लोगों को मौखिक प्रशंसा पसंद आती है, पर आप उनकी प्रशंसा नोट लिखकर भी कर सकते हैं। इस नोट को बार बार पढ़ा जा सकता है। तीसरा, सराहना का खेल खेलें। हर दिन विशिष्ट समय निकालकर होने वाली चीजों की सराहना करें। इसे करने का सबसे बेहतर समय काम पर जाते वक्त या काम से लौटने वक्त का है। जो लोग आपको मिलते हैं उनकी सराहना करें। जिस रोड पर आप चलते हैं, जिस कार में आप घूमते हैं, स्ट्रीट साइन की, बारिश की, पेड़ पौधों की प्रशंसा करें। हर परिस्थिति में कुछ अच्छाई ढूंढें। यहां तक कि जो परिस्थिति आपको नकारात्मक लगे उसमें भी सकारात्मकता को ढूंढें। जैसे कि कहावत है, हर निराशा में एक उम्मीद की किरण होती है। चौथा, अपने जेब में कृतज्ञता का एक भौतिक टोकन रखें, जैसे कि छोटा सा कोई गोल पत्थर, क्रिस्टल या कोई दूसरी छोटी चीज। जब आपका ध्यान कहीं और भटकेगा, तब भौतिक टोकन आपको याद दिलाएगा कि आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना है। जब भी आपका हाथ आपकी जेब में जाए, जब भी आपका हाथ उस पत्थर को टच करे, उसको छूते ही रुकें, सांस लें और पूरी तरह से आभार की भावना का अनुभव करें। पांचवा, सबसे छोटे आशीर्वादों की भी सराहना करें। छोटी से छोटी चीज की सराहना करें। अगर आपके फ्रिज में खाना है, अलमारी में कपड़े हैं और सर ढकने के लिए छत है, तो आपकी स्थिति दुनिया के 75% लोगों से बेहतर है। अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो आपकी स्थिति दुनिया के 1 बिलियन लोगों से बेहतर है। इन लोगों को दिन में बस 1 बार खाना नसीब होता है। क्या आपके पास फोन है? क्या आपके पास काम पर जाने के लिए या दुनिया घूमने के लिए गाड़ी है? क्या आपका परिवार स्वस्थ है? क्या आपके पास दुनिया से जुड़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, काम के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट है? क्या आपके पास पीने के लिए साफ पानी है? इन सरल चीजों का जश्न मनाएं, आभार व्यक्त करें। हर किसी को ये चीजें नहीं मिलती। छठा, खुद की सराहना करें। स्वयं के सकारात्मक गुणों और उपलब्धियों की सराहना करना ना भूलें। अपनी बड़ी सफलताओं के साथ साथ अपनी छोटी सफलताओं की भी सराहना करें।
हम सभी को स्वीकृति की जरूरत होती है, पर सबसे महत्वपूर्ण स्वीकार्यता वो होती है जो हम खुद को देते हैं। शुरुआत में आपके पास जो है उसकी सराहना करना आपको स्वाभाविक नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो में दिए गए बातों पर अमल करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। कृतज्ञता के ये 6 दैनिक आदतें आपकी जिंदगी में प्रचुरता और आनंद को आकर्षित करेंगी। जाते जाते नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बता के जाएं कि आप किन 3 चीजों के लिए आभारी हैं।